यहाँ पे यार प्रॉब्लम है, नया प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है एक सैमसंग टीवी का, और इसमें डिस्प्ले सब कुछ है लेकिन इसका ब्राइटनेस नहीं बढ़ रहा है। नॉर्मल है ब्राइटनेस, पिक्चर दिख रहा है लेकिन जो क्वालिटी होना चाहिए डिस्प्ले में या टीवी में वो इसमें कॉन्टेस्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल दिखोगे तो पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है। और अभी तक मेरे चैनल को सब चलेंगे तो मेरे चैनल को सब कीजिएगा, सब कहते लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को दिखाता हूँ और कुछ नया टिप्स देता हूँ क्योंकि आपका नॉलेज गेन होगा। ओके, तो ये सैमसंग कंपनी का एक टीवी है और इसका प्रॉब्लम क्या है पहले दिखाई, फिर से मॉडल नंबर को दिखा देता हूँ। ओके, तो देखो इसका पावर ऑन किया, साउंड मिला है, गौर से देखिएगा। यहाँ पे देखो ये रहा, देखो यहाँ पे कुछ आ रहा है। यहाँ पे देखो चेक दिस एरियल केबल कनेक्शन एंड कुछ दिखा रहा है। ठीक है, तो ये डिस्प्ले आ रहा है, डिस्प्ले लाइटें सब कुछ है लेकिन ब्राइटनेस नहीं है क्योंकि जितना होना चाहिए नॉर्मल, तो जो ब्राइटनेस होना चाहिए वो नहीं है। ठीक है, लाइट है इसमें, लाइट भी है, देखो पूरा लाइट है, जी 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 कर रहा है लेकिन ब्राइटनेस नहीं कर रहा। इसका प्रॉब्लम जो होता है ज़्यादातर या बोर्ड में जो कंपोनेंट रहता है उसमें दिक्कत हो सकता है, या इसका जो पैनल एलईडी है, इस पैनल डिस्प्ले में जो एलईडी है साइड में रहता है, अगर उसमें भी दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इस पैनल को बाहर करूँगा और स्टेप बाय स्टेप चेक करूँगा कि कहाँ पर दिक्कत है। ओके, और ये देखिए मॉडल क्या है, यहाँ पे देख सकते हो इसका मॉडल नंबर है। यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेता हूँ, यहाँ पे मॉडल कोड जो है यहाँ पे UA23F4003ARLXL। ठीक है, ये मॉडल, तो अभी पूरा इसको बाहर करता हूँ और स्टेप बाई स्टेप चेक कर लेता हूँ। पे लॉजिक जो बोर्ड है इसमें कोई भी कैपेसिटर वगैरह फला फुटा नहीं है, शॉर्टिंग भी नहीं है, मैंने चेक किया। ठीक है, तो पावर बोर्ड एंड मदरबोर्ड में कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। और ये रहा इसका एलईडी सेक्शन। ठीक है, यहाँ पे एलईडी टेप रहता है यहाँ से यहाँ पता, तो इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, तो फिलहाल के लिए इसको बाहर करना पड़ेगा स्टेप बाई स्टेप कैसे चेक। तो देख रहे हो कि इसका ओरिजिनल पैनल और ये इसका ब्राइटनेस जो होता है ये, तो डिस्प्ले को मैंने बाहर कर दिया हूँ और अभी इसका अंदर में एलईडी रहता है। और देखो स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे बाहर करता हूँ। ओके, तो अभी देखो इसका जो एलईडी पार्ट है जो यहाँ पे ब्राइटनेस कंट्रोल करता है, यहाँ पे देखो एक टेप है पीछे वाला जो एलईडी प्रॉक लगता है पीछे से, और ये एलईडी टेप इसका बेजल के साइड चिपका हुआ है, इसको भी रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद इसको चेंज करना पड़ेगा। ओके, ये वाला जो दिक्कत है इसमें, और इसको बाहर निकलेंगे तभी पता चलेगा कि इसमें दिक्कत क्या है। ओके, तो देखो इसको कैसे बाहर करता हूँ, तो बहुत दाम से चिपका हुआ है क्योंकि ये सैमसंग का माल है। तो ये देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे है, वो देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे है। सब कुछ जो लाइट है जला हुआ है, लाइट गौर से देखिए कि पूरा कट गया है लाइट, इसी वजह से ब्राइटनेस का दिक्कत आ रहा है। ठीक है, तो देख सकते हो कैसे कैसे लाइट ग्लो है, ये हो गया। तो अभी इसको रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस करने के बाद ये प्रॉब्लम जो है वो टोटल हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हो कि मैंने जो ये वाला है ख़राब है। ठीक है, देखो जला हुआ देख सकते हो, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, देखो तो पता चलेगा, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ओके, देखो ये देखो देखो ब्लैक ब्लैक टाइप का हो गया है। ओके, ये जला हुआ है और ये है फ्रेश, यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, देखिए वो भी ब्लैक ब्लैक स्पॉट कुछ भी नहीं है, टोटली स्ट्रेट है। और ये मार्केट में आपको मिल जाएगा 300 से 500 तक, ये मार्केट से मिल जाएगा इजीली। ठीक है, तो सेम प्रोसेस में इसमें जो जो फिट किया, जैसे ओपन किया ऐसे ही लगाते रहेंगे, फिर आप लोगों को चेक करके दिखाता हूँ। ओके, अभी देखो इसका जो बेस है इसको अच्छी तरीके से लगा दिया हूँ, ये वाला वाइट वाला जो फिल्म है। तो अभी जो करूँगा यहाँ पे, तो डिस्प्ले जो है पेन कांच वाला यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लगाएंगे। तो अभी देखो पूरा पैनल रेडी हो गया, फिट हो गया। तो
तो ये थोड़ा टफ था, क्योंकि ये अगर बंदा कोई नहीं जानता है तो थोड़ा क्रिटिकल है, फिट नहीं कर पाएगा, तो इसके लिए टाइम भी ज़्यादा लगता है, तो अच्छी तरीके से ये पैक करना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी मदरबोर्ड से ये फिट करेंगे और चेक करेंगे। तो अभी देखो पूरा जो टीवी है पूरा लाइट भी आ गया, कैसे चकमक कर रहा है। ठीक है, तो अगर लाइट का दिक्कत आए तो ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्व करना। वॉचिंग करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।